हाय पिक्चर रिकैप्स यहाँ। आज मैं प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग नामक एक हांगकांग चीनी एक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे, बाहर देखो और ख्याल रखना। यी मैन और उनकी प्रेमिका यूएन वैंकूवर में चित्रकार के रूप में रहते हैं, जबकि यूएन मूल कला बनाता है। यी प्रसिद्ध चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की नकल करने में अधिक रुचि रखते हैं। वह अपने कार्यक्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली है और लगभग किसी भी तरह की पेंटिंग को हर मिनट विस्तार से दोहरा सकता है। हालांकि उनका काम डीलरों और गैलरी शो के आयोजकों के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि वे नकली पेंटिंग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न हो। एक शाम क्ली यूएन के प्रबंधक को यह कहते हुए सुनने के लिए घर लौटती है कि यदि वह सफल होना चाहती है तो उसे ली के सहकलाकार को छोड़ देना चाहिए। यूएन बदले में प्रबंधक से उसे छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वह कभी भी ली की भागीदार बनना बंद नहीं करेगी। काफी जद्दोजहद के बाद दोनों एक आर्ट शो में जगह बनाने में कामयाब होते हैं। मेहमानों के देखने के लिए उनके चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। उनमें से कई यूएन के काम से प्यार करते हैं, लेकिन ली के चित्रों की आलोचना करते हैं। एक अतिथि का नाम दत्लाकार उनकी पेंटिंग को नकली कहने तक चला जाता है। यूएन ने गुस्से में अपना ड्रिंक उसके चेहरे पर फेंक दिया और उसे चले जाने के लिए कहा। ली माफी मांगने के लिए आदमी का पीछा करता है और पाता है कि यह सब कलाकार द्वारा बनाया गया एक सेटअप था, ताकि वे निजी तौर पर मिल सकें। उनका कहना है कि वह नकली कला के लिए ली की प्रतिभा को पहचानते हैं और उनकी सटीकता की प्रशंसा करते हैं। वे एक बार में जाते हैं और ड्रिंक पर बात करते हैं। कलाकार का दावा है कि वह सटीक प्रतिकृतियों से भी प्यार करता है और ली के लिए एक काम है अगर वह अपना जीवन बदलना चाहता है। मुठभेड़ के बाद ली आर्ट गैलरी में वापस जाता है और उस पेंटिंग को जला देता है जिसका पहले अपमान किया गया था। निर्णय से संतुष्ट होकर वह अगले दिन कलाकार को बुलाता है और उसके लिए काम करने के लिए राजी हो जाता है। यह पूछे जाने पर कि वह किन चित्रों की प्रतिकृति बनाना चाहता है, कलाकार उसे $100 का बिल दिखाता है। यह पता चला कि वह नकली धन के बंडल और बंडल बनाने की योजना बना रहा है, जिसे पहचाना जाना असंभव है। चूंकि वे सिर्फ पैसा नहीं छाप सकते, इसलिए कलाकार ली जैसा कोई पाने के लिए बेताब है। पर टीम प्रारंभ में ली ने कुछ भी अवैध करने से इनकार कर दिया, लेकिन यह महसूस करने पर कि वह पैसे में तैर रहा होगा, वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। वह उस दिन घर लौटता है और देखता है कि यूएन अपने घर से दूर जा रहा है। उसने कला दीर्घा में किए गए स्टंट के बाद उसे छोड़ने का फैसला किया है, जिसमें उसे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। निम्नलिखित दृश्य में ली कलाकार और उनकी टीम के साथ एक निजी विमान में शामिल होता है, जो थाईलैंड के लिए उड़ान भर रहा है। ली अभी भी कनाडा लौटने और कुछ पैसे कमाने के बाद यूएन को जीतने की योजना बना रहे हैं। टीम में एक प्रिंटिंग प्लेट विशेषज्ञ श्रीयाम, एक रंग सिद्धांत विशेषज्ञ और सुरक्षा और बिक्री के प्रभारी दो लोग शामिल हैं। नए $1996 $100 के बिल में विशेषताएं हैंडुप्लेसिस फ्रैंकलिन के चित्र का संस्करण, जिसे 50% बड़ा किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक विवरण और रेखाएं दिखाई देती हैं। यहां तक कि अगर वे उच्चतम रिजोल्यूशन वाले व्यावसायिक प्रिंटर का उपयोग करते हैं तो परिणाम मौर्य पैटर्न का होगा और बिल्कुल भी सटीक नहीं होगा। इसके अलावा एक हेमाइक्रोप्रिंट संयुक्त राज्य अमेरिका कहने वाले बिल पर फ्रैंकलिन के कॉलर पर। एक व्यावसायिक मुद्रक कभी भी इसे परिशुद्धता के साथ मुद्रित करने में सक्षम नहीं होगा। यही ली खेलने के लिए आता है, क्योंकि वह बिल को प्रिंटर से बेहतर पेंट कर सकता है। दूसरे बिल स्क्रैच फ्री पेपर से बने होते हैं, जो नकली डिटेक्शन पेन की काली स्याही को पीले रंग में बदल देता है। इससे बैंक कर्मियों को नकली को असली से अलग करने में मदद मिलती है। कलाकार को अभी तक स्क्रैच पेपर प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं मिला है, लेकिन तब तक वह चाहता है कि ली पेंटिंग प्रक्रिया पर कड़ी मेहनत करें। अगले कुछ हफ्तों के लिए ली $100 के बिल को पूरी सटीकता के साथ पेंट करता है, एक भी लकीर या एक रेखा गायब नहीं करता है। एम्बेड वाटरमार्क और सुरक्षा धागा अंकली एक और कठिनाई है। इसके लिए वे एक चाइनीज पेंटिंग पद्धति का उपयोग करने जा रहे हैं, जहां असली पेंटिंग को दो कागजों के बीच सैंडविच किया जाता है, जिन्हें बीच की परत को अलग दिखाने के लिए दबाया जाता है। अगला मुद्रण प्रक्रिया आती है, जो श्री याम के अधीन है। वह एक प्रिंटिंग प्लेट बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करता है, जो 10,000 मिलीमीटर परिशुद्धता के साथ पेंट करता है। परीक्षण के दौर में वे देखते हैं कि नहीं है अधिक प्रभाव, जिसका अर्थ है कि वे सफल हैं। उसके बाद कलाकार अधिग्रहण करने का एक तरीका खोजता है। स्क्रैच पेपर कौन उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल है। वे यात्रा करते हैं पूर्व का यूरोप एक फोन बुक निर्माण कंपनी के लिए। यह पता चला है कि वे फोन बुक बनाने के लिए स्क्रैच पेपर का उपयोग करते हैं, जो $100 के बिल की चौड़ाई का तिगुना है। चौड़ाई सैंडविचिंग प्रक्रिया के लिए एकदम सही है, इसलिए वे चीनी कॉमिक बुक कंपनी के रूप में प्रच्छन्न इसका एक बड़ा बैच खरीदते हैं। कागज को अपने ठिकाने पर आयात करने के बाद
उन्हें नकली बिल बनाने में देर नहीं लगती जो असली बिल के समान दिखते हैं। वे इसे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के माध्यम से थोक विक्रेताओं को बेचते हैं और उन लोगों के बारे में बहुत सावधान रहते हैं जिनके साथ वे व्यापार करते हैं। कलाकार के साथ 6 महीने काम करने के बाद ये यूएन की चाबी वापस करने के लिए वैंकूवर लौटता है। वह उससे मिलने से इनकार कर देता है और उसकी मेज पर चाबी छोड़ने का फैसला करता है। कलाकार सोचता है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला कायर है जो दोनों के बीच बहस का कारण बनता है। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए कलाकार एक बंदूक निकालता है और कहीं से भी चोरी करने के लिए पुलिस की गाड़ी में जाता है। ली को इसमें अनिच्छा से उसकी मदद करनी है लेकिन वह डर के मारे किसी को गोली नहीं मार सकता। अचानक हुई डकैती के अंत तक सभी पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और ली हैरान रह जाता है। अंत में उसे पता चलता है कि उसका बॉस एक समझदार व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा उसने केवल पेंट करने के लिए साइन अप किया था, लोगों को मारने के लिए नहीं। फिर हमें पुलिस में विंग नाम के एक नकली बिल विशेषज्ञ से मिलवाया जाता है। उसे कनाडा से हांगकांग बुलाया जाता है क्योंकि पुलिस को दुनिया भर में नकली डॉलर के नोटों में अचानक वृद्धि का संकेत मिला है। विंग हांगकांग पुलिस के प्रमुख इंस्पेक्टर हो से मिलता है। वे एक अंडरकवर मिशन पर जाते हैं और नकली पैसे खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के रूप में पेश आते हैं। बहुत सारे दलालों के साथ कई बैठकों के बाद उन्हें एक नाफ पार्टी में कलाकार से मिलने की अनुमति दी जाती है। हालांकि अपराधी को पकड़ने की उनकी उम्मीदें तब टूट जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि पेंटर ने उनकी जगह अपने दलालों को भेजा था। वे विंग का कई तरह से परीक्षण करते हैं और यह पता लगाते हैं कि वह कोई खतरा नहीं है। एक दोपहर ली कलाकार के पास जाता है और दावा करता है कि वह अब टीम में नहीं रहना चाहता। फिर भी वह उनके प्रस्थान से पहले अपने व्यवसाय को चालू रखने के लिए उनके लिए एक नया तरीका खोजने का वादा करता है। कलाकार उसे बिना किसी उपद्रव के जो चाहे करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित असेंबल में हम देखते हैं कि टीम दुनिया की यात्रा करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पैसा बेचती है। मुनाफा बेतहाशा है और इसलिए उनके माल की मांग भी है। फिर उन्हें थाई क्राइम बॉस द जनरल से सबसे ऊंची बोली मिलती है। वह एक व्यावसायिक बैठक के लिए कलाकार और उसकी टीम को अपने ठिकाने पर बुलाता है, लेकिन यह पता चला कि जनरल ने कलाकार के पिता को बहुत पहले मार डाला था, इसलिए कलाकार यहाँ व्यापार के लिए नहीं बल्कि जनरल को मारने के लिए है। वह ली से अपनी जैकेट में विस्फोटकों को ट्रिगर करने के लिए कहता है लेकिन कायर ली मना कर देता है। सेकंड बाद में एक कार में विस्फोट हो जाता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। सारा नाम के नकली धन विशेषज्ञ को छोड़कर जनरल की टीम के सभी लोग मारे गए हैं। आग लगने के बाद वह मरने वाली है लेकिन ली ने उसे बचा लिया। समूह के जाने के बाद उनकी विशेषज्ञता के कारण उनकी देखभाल की जाती है और उन्हें टीम में आमंत्रित किया जाता है। ली उसकी देखभाल करता है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। इस बीच ली की पूर्व प्रेमिका के नाम पर कलाकार उसे यूएन नाम से एक फर्जी आईडी देता है। घटना के बाद टीम व्यवसाय से एक साल का ब्रेक लेती है। इस समय के दौरान ली और कलाकार यूएन से मिलने और उसका दिल जीतने के लिए वैंकूवर वापस जाते हैं। अब तक वह अपनी सैकड़ों पेंटिंग बेचकर एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई है। हालांकि चीजें नीचे गिर जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि वह अपने मैनेजर से जुड़ी हुई है। कलाकार चाहता है कि ली अपने प्यार के लिए लड़े लेकिन उसने पहले ही हार मान ली है। निम्नलिखित दृश्य में वे अंडरकवर पुलिसकर्मी विंग के साथ एक व्यापार बैठक के रास्ते में एक नौका पर हैं। कलाकार ग्राहक के बारे में अपना शोध करता है और उसकी असली पहचान के बारे में पता लगाता है। वह यह भी पता लगाता है कि पुलिस उन्हें खोजने में सक्षम थी क्योंकि मुद्रण विमान विशेषज्ञ श्री याम ने नियमों को तोड़ा और नकली पैसे से एक घड़ी खरीदी जैसा कि उन्होंने तय किया था। अब उसकी गलती के लिए उसके परिवार को मारना होगा। मिस्टर याम अपने परिवार के जीवन के लिए भीख मांगता है लेकिन कलाकार उसे गोली मार देता है। ली ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की लेकिन वह हार गया। उसके बाद टीम विंग से मिलती है जो इस बात से अनजान है कि वे उसकी असली पहचान जानते हैं। एक बार जब वे एक बंद कमरे में होते हैं तो कलाकार ली से विंग को मारने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देता है। अंत में उसे ही काम करना पड़ता है। कलाकार को मारने के अपने डर से ली को मुक्त कराने के लिए अपहरण यूएन और उसके मंगेतर। वह ली को एक बंदूक देता है और उसे उन्हें मारने के लिए कहता है क्योंकि उसके लिए उन लोगों को मारना आसान होगा जिनसे वह नफरत करता है। हालांकि ली ने फिर से मना कर दिया। गुस्से में कलाकार यूएन के मंगेतर को खुद मार देता है जबकि ली यूएन को बचाता है। सारा जानती है कि इसके बाद ली को भी मार दिया जाएगा। वह याद करती है कि उसने बहुत पहले उसकी जान बचाई थी और बाकी टीम पर हमला करती है। आगामी गोलीबारी में सभी सदस्य मर जाते हैं और ली अंत में कलाकार को मार डालता है। सारा उसे यूएन से जाने देती है
और उसे एक रिसॉर्ट में ले आती है जिसे कलाकार ने उनके लिए खरीदा था। उन्हें पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है क्योंकि पुलिस ने उसका शव कभी बरामद नहीं किया। एक दिन ली को पता चलता है कि यूएन अपने दिवंगत मंगेतर के लिए एक स्मारक का आयोजन करने वाली है। उसे शक है कि कलाकार उसे पाने के लिए उसे मारने के लिए वहाँ होगा। सारा ने उसे न जाने के लिए भीख मांगने के बावजूद वह वैसे भी करता है। हालांकि रास्ते में वह गलती से नकली नोटों का उपयोग करता है और पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। फिर उसे इंस्पेक्टर हो की हिरासत में हांगकांग ले जाया गया और पूछताछ की गई। ली को डर है कि अगर कलाकार ने अपनी पहचान बता दी तो वह उसे मार देगा, इसलिए वह हर बात पर चुप रहता है। कुछ दिनों बाद यूएन उससे मिलने आता है और उसे पुलिस की मदद करने के लिए मना लेता है। वे एक समझौते पर समझौता करते हैं कि ली को कलाकार की पहचान और आपराधिक इतिहास का खुलासा करने के लिए गवाह संरक्षण में रिहा किया जाएगा। उसके बाद ली पुलिस को अपने अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। यूएन के साथ अपने रिश्ते से शुरू करके वह कलाकार से कैसे मिला, पैसा बनाने की प्रक्रिया, पहली हत्या का समय और इसी तरह सब कुछ प्रकट करने के बाद वह पुलिस को उनकी टीम सारा और कलाकार के केवल दो शेष लोगों के स्केच बनाने में भी मदद करता है। दिन के अंत तक ली और यूएन को बाहर सुरक्षा के साथ एक होटल में छोड़ दिया जाता है। पुलिस ने तुरंत उस कलाकार की तलाश शुरू कर दी है कि अब उनके पास उसकी एक तस्वीर है जबकि वे इसमें हैं। निरीक्षक होने उसे पुलिस मुख्यालय में ही एक पुलिस अधिकारी के भेष में देखा। वह और उसकी टीम उसे गिरफ्तार करती है और उसे केवल यह पता लगाने के लिए पकड़ती है कि वह आदमी कई वर्षों से पुलिसकर्मी है और कलाकार बिल्कुल नहीं हो सकता। यह विशेष रूप से अजीब है क्योंकि वह शुरुआत से ही कलाकार की भूमिका निभा रहा था। तब पता चला कि वह पुलिसकर्मी ही था जिसने ली को थाईलैंड से हांगकांग लाने में हो की मदद की थी। ली ने रास्ते में अपना चेहरा देखा और उसे याद किया। एक फ्लैशबैक हमें दिखाता है कि ली और कलाकार एक ही लोग हैं। ली ने कलाकार को अपने दिमाग में इस वास्तविकता से बचने के लिए बनाया कि वह एक भयानक व्यक्ति है। हर बार जब वह उन अपराधों से डरता था जो कलाकार कर रहा था, ली ही उन्हें कर रहा था। वह भी था जिसने घड़ी खरीदने के लिए मिस्टर यांग और उसके परिवार को मार डाला था। आखिरी गोलीबारी में जिसने उनकी टीम के अधिकांश लोगों को मार डाला, वह वही था जिसने यूएन के मंगेतर को मार डाला था और गोलीबारी उनके बीच संघर्ष के कारण हुई थी। एक और झटका तब लगता है जब हमें पता चलता है कि ली को जमानत देने आई लड़की यूएन नहीं बल्कि सारा है। वह ली के प्रति इतनी आसक्त थी कि उसका चेहरा जल जाने के बाद से उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। सर्जरी के बाद वह यूएन जैसी ही दिखती थी। वह अपने प्रेमी को बचाने आई थी और दोनों पहले ही गार्ड को मारकर होटल के कमरे से भाग चुके हैं। निम्नलिखित दृश्य में हम जोड़े को एक साथ बिस्तर में देखते हैं। सारा इस बात से दुखी है कि वह हमेशा यूएन के लिए नकली और ली के लिए दूसरा विकल्प बनने जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या वह उसे अपने लिए देखता है, ली ने यह छिपाने की कोशिश नहीं की कि वह अभी भी यूएन से प्यार करता है। अगले दिन वे एक नाव पर चढ़ते हैं और हांगकांग से भाग जाते हैं। लेकिन रास्ते में सारा ने खुलासा किया कि वह घंटों से हल्कों में गाड़ी चला रही है और वे अभी भी हांगकांग के क्षेत्र में हैं। वह उसे और खुद को मारकर खत्म करना चाहती है उसका दुख का जीवन। वे जल्द ही पुलिस से घिरे होते हैं लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें पकड़ पाते, नाव में विस्फोट हो जाता है। इस प्रक्रिया में दोनों की मौत हो जाती है। अंतिम दृश्य में निरीक्षक हो असली यूएन को यह सूचित करने के लिए जाता है कि उसके मंगेतर के हत्यारे की मृत्यु हो गई है। ली की एक तस्वीर को देखने पर वह उसे सिर्फ एक के रूप में पहचानती है। पड़ोसी वह बहुत पहले थी। यह पता चला है कि ली ने भी कल्पना की थी के बारे में यूएन के साथ का पूरा रिश्ता जब वे कभी साथ नहीं थे। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक छोड़ दें। देखने के लिए धन्यवाद।